नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज भी जो है आरसीबी टीम से जुड़ी कुछ बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो भाइयों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। वहीं हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि रोज़ाना अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले गाइज, मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिस एप्लीकेशन का नाम है गाइज विनविन 11। ये एक फैंटेसी ऐप है और ये बाकी एप्लीकेशन से बिल्कुल ही अलग है। इस एप्लीकेशन में आपके लॉस होने के चांसेस 0% है। मान लीजिए गाइज, आप किसी भी एक मैच के कंटेस्ट को ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद अगर आप फर्स्ट रैंक पर आते हो तो आपको 550 रुपीज दिया जाता है। और हाँ गाइज, अगर आप इस एप्लीकेशन में लॉस भी होते हैं, यानी कि गाइज आप लास्ट रैंक पर भी आते हो, तो आपने जितनी रुपीज की एंट्री फीस लगाई हुई थी उतनी रुपीज के आपको शॉपिंग वाउचर्स दिए जाते हैं। इन शॉपिंग वाउचर्स का यूज करके आप इस एप्लीकेशन के थ्रू शॉपिंग भी कर सकते हो, यानी कि गाइज लॉस इक्वल्स टू 0। यहाँ पर शॉपिंग का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, यहाँ से गाइज आप जो प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो वो प्रोडक्ट यहाँ से बाय कर सकते हो। तो गाइज, एप्लीकेशन काफी धमाल मचा रही है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इस एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, फटाक से जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आज से ये स्टार्ट कर लीजिए विदाउट लॉस वाली अर्निंग। दोस्तों बात करें पहली अपडेट की, तो पहली अपडेट आ रही है आरसीबी टीम के कोच साइमन कैटिच को लेकर, जहां पर दोस्तों साइमन कैटिच ने एक वीडियो के जरिए अपना बड़ा स्टेटमेंट सामने रखा है। दोस्तों आरसीबी ने बुधवार को यानी 21 अक्टूबर को केकेआर को हरा दिया और मुख्य कोच साइमन कैटिच टीम के प्रदर्शन से काफी खुश थे। कैटिच ने कहा कि गेंदबाजों ने एक दूसरे का समर्थन किया और सुनिश्चित किया कि आरसीबी केकेआर के ऊपर है, क्योंकि यह उनके लिए एक बड़ा नाम था। मैं बहुत खुश हूं, मुझे लगता है कि हमारे गेंदबाजों ने पहले कुछ ओवरों में खेल को स्थापित किया। मॉरिस ने अच्छी शुरुआत की अच्छी तरह से और फिर सिराज ने उसे वापस कर दिया। दूसरे ओवर में सिराज ने 2 विकेट लिए, उन्होंने विरोधी टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया और फिर पावर प्ले में एक और जोड़ी थी, फिर कोई वापसी नहीं हुई। यह शानदार प्रदर्शन था, कैटिच ने एक वीडियो में पोस्ट किया। इसके बाद दोस्तों कैटिच ने कहा कि यह एक बड़ा खेल था, हमने थोड़ा सा ब्रेक दिया था और जिस तरह से टेबल दिया गया है, अगर यह खेल दूसरे तरीके से चला जाता तो हम दोनों बराबर हैं, इसलिए हमने प्रक्रिया और परिणाम पर ध्यान केंद्रित रखना सुनिश्चित किया। कोच ने कहा कि खिलाड़ियों ने खुद को संभाला, खिलाड़ियों को काफ़ी श्रेय जाता है क्योंकि मैं गेंद के साथ बेहतर काम नहीं कर सकता था। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने अपने 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 84 रन बनाए थे। केकेआर शुरुआती झटकों से उभरने में विफल रहा था। मॉर्गन की कप्तानी वाली टीम ने 5 ओवरों के अंदर ही 4 विकेट गंवा दिए थे। वहीं दोस्तों मोहम्मद सिराज इस मैच के स्टार थे, वह न केवल पहले ऐसे गेंदबाज बन गए थे जिन्होंने लगातार 2 मिडल ओवर फेंके, बल्कि केवल 8 रन देकर 3 विकेट भी हासिल किए। इस पर कोच ने कहा कि जिस तरह से हम इसके बारे में विशेष रूप से के साथ चले गए, जाहिर तौर पर मॉरिस और फिर नई गेंद के साथ सिराज जिस तरह से हमने जीता, वह टीम की प्रतिभा के बारे में बोलता है। अब इसके बाद दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट आ रही क्रिस मॉरिस को लेकर, जिन्होंने इस आईपीएल सीजन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जी हां दोस्तों, आरसीबी टीम के हरफन मौला खिलाड़ी क्रिस मॉरिस का इस आईपीएल के बारे में कहना है कि यह अनुभव शानदार रहा है क्योंकि इससे वह लगातार सफर करने से बच रहे हैं। मॉरिस ने कहा कि पिछले आईपीएल सीजनों में सबसे मुश्किल होता था कि भारत में सफर करना, आईपीएल मैच मुश्किल होते हैं लेकिन सफर करना काफी खान बड़ा होता है। आपका मैच देर से ख़त्म होता है, रात 12:30 से 1 बजे के बीच में, सुबह 3-4 बजे तक सब कुछ पैक करना, आपके कमरे से सामान बाहर रखना, इसके बाद कुछ ही घंटों में एयरपोर्ट के लिए रवाना होना, यह सब कुछ थकान भरा होता है। मॉरिस ने शुक्रवार को यूएई मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप नहाते हो, अच्छे से तैयार होते हो क्योंकि आपको अच्छा लगना होता है, इसके बाद आप 1 से 1.5 घंटे में एयरपोर्ट पहुँचते हो और अगले 1 से 2 घंटे अगला मैच जहाँ होना है वहाँ जाने के लिए लगता है। मॉरिस ने कहा कि एक ही जगह रुकना काफ़ी अच्छा होता है, इससे थकान नहीं होती है। दोस्तों 2014 में भी आम चुनाव के कारण आईपीएल के 20 मैच जो है यूएई में हुए थे, तब खिलाड़ियों ने भी यही कहा था कि कम सफर करना उनके लिए अच्छा होता है। अब इसके बाद दोस्तों तीसरी बड़ी अपडेट आ रही है आरसीबी टीम के कप्तान विराट कोहली को लेकर, जहां पर दोस्तों विराट कोहली जो है आजकल ट्विटर पर काफी ट्रेंड पर चल रहे हैं। जी हां दोस्तों, विराट कोहली ने कोलकाता के खिलाफ खेले गए मैच में उस समय 2 रन भाग लिए थे जब टीम को जीतने के लिए सिर्फ 1 रन की दरकार थी और इस बात पर कोहली ट्विटर की दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गए हैं। दोनों टीमों के बीच में बुधवार खेले गए मैच में बेंगलोर को जीत के लिए 85 रन बनाने थे। दोस्तों ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा कि जब जीत के लिए सिर्फ 1 रन की दरकार थी तो विराट कोहली ने 2 रन भागे, 2 रन के प्रति उनका प्यार शानदार है। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि विराट कोहली को 2 रन भागने की आदत है, तब वो 2 रन भागना चाहते थे जब जीतने के लिए 1 रन चाहिए होता है। एक और ट्वीट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि विराट कोहली और 2 रन की प्रेम कहानी से बेहतर कोई कहानी बताओ। गौरतलब है कि दोस्तों आरसीबी टीम ने बुधवार को शेख जायद स्टेडियम में कोलकाता को
8 विकेट से हरा दिया था। मगर दोस्तों अंतिम गेंद पर जो विराट कोहली ने 2 रन भागे थे वो फिलहाल जो है ट्विटर पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, उसको लेकर काफ़ी यूजर्स हैं जो वो कमेंट्स कर रहे हैं लगातार। अब इसके बाद दोस्तों चौथी बड़ी अपडेट आ रही है आरसीबी टीम के ग्रीन जर्सी को लेकर, जहाँ पर दोस्तों कई फैंस जो है ये सवाल पूछ रहे हैं मुझसे कि आरसीबी टीम जो है कब ग्रीन जर्सी पहनकर अपना अगला मुकाबला खेलने वाले हैं। मगर दोस्तों आपको बता दूं कि फिलहाल जो है आरसीबी टीम मैनेजमेंट या फिर आरसीबी ने खुद आधिकारिक तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। जब भी कोई जानकारी मिलती है आरसीबी टीम के ग्रीन जर्सी को लेकर मैं आप सभी को वीडियो बना के बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों पांचवी बड़ी अपडेट आ रही है आरसीबी टीम की एक नई जर्सी को लेकर, जहां पर दोस्तों आरसीबी टीम ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक नई तरह की जर्सी लॉन्च की है। दोस्तों ये जर्सी जो है आरसीबी टीम ने अपने फैंस के लिए लॉन्च किया है। इस जर्सी का नाम है रेप्लिका कॉलर। जी हाँ दोस्तों, जर्सी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉलर का डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। इस वजह से अपने फैंस के लिए आरसीबी टीम ने इस जर्सी को लॉन्च किया है। फैंस जो है ऑनलाइन इस जर्सी को ऑर्डर कर सकते हैं। तो भाइयों आरसीबी टीम लगातार अच्छा कर रही है और फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो है आरसीबी टीम चैंपियन बन जाए। इसके बाद दोस्तों छठवीं और आखिरी अपडेट में बात कर लेते हैं आरसीबी टीम के अगले मुकाबले की। दोस्तों आरसीबी को अपना अगला मुकाबला जो है चेन्नई के खिलाफ खेलना है। ये मुकाबला संडे को 3:30 बजे से शुरू हो जाएगा। मैच जो है दुबई में खेला जाने वाला है। आरसीबी टीम के लिए काफ़ी अहम मुकाबला होने वाला है, क्योंकि भाइयों अगर ये मैच आरसीबी टीम जीत जाती है तो फिर वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।